जी क्वेश्चंस आप पूछें वन बाय वन, अगर कुछ पूछना चाहते हैं कोई, किसी बच्चे का कोई सवाल है। अच्छा जो मैं बात कर रहा था अभी आपके साथ कि ये पीडीएफ में क्लिकेबल बन जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, और आप देखें ये मेरे लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसान है। कैसे कि ये क्रिप्टो करेंसी और ये हुमैरा अरशद ने एक बच्ची ने जमा कराई, ये है जी BSIT फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन है फलाम में इसने जमा कराई, टीचर ये है और ये उसका यूएफ सब कैंपस का आ गया। यहाँ पर नीचे एक चीज और मैं बता दूं, यूएफ सब कैंपस का मोनोग्राम मैं लगाकर आपको भेज देता हूँ सैंपल के तौर पे, वो देख लें। नंबर टू, ऊपर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है तो अगर कोई बिटकॉइन या कोई और इस तरह की कोई अच्छी तस्वीर मिलती है, कोई समझते हैं कोई अच्छी तस्वीर अवेलेबल है लगाना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह लगा सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये देखें इधर हिस्ट्री है, इसके ऊपर देखें तो आइकन चेंज हो गया, आप क्लिकेबल है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्लिकेबल है। मैं कहता हूँ प्रोस्पेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं जस्ट क्लिक ओवर इट एंड हेयर वी आर प्रोस्पेक्ट्स पे, फॉरन से वो डॉक्यूमेंट आपको जंप करके प्रोस्पेक्ट्स पे ले गया, समझ गए ना। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ये हमें ये जो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का तरीका बताया है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहता हूँ मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाता हूँ, मैं रेफरेंसेज पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ देखूँ रेफरेंस कौन से लिखी है, या मैं देखना चाहता हूँ रेफरेंसेज लिखने जरूरी नहीं है, मैं फिर ये बात कर दूं अगर आप देना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह दे दें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताएं आपके क्वेश्चंस क्या हैं। अच्छा आपको सॉरी वो मैंने स्क्रीन शेयरिंग आ कर दी थी, ठीक है। अच्छा अब कुछ सवाल आते हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं और उनके जवाब आप भी दे देते हैं, पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि आप भी पढ़ लें कि क्या बातें हो रही हैं। सवाल चैट में लिख के भेज दें, अदरवाइज माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लें, आपकी मर्जी है। सेलफोन पे बना सकते हैं, बनाने का हर्ज नहीं है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि सेलफोन पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी लैपटॉप पर है। एक तो ये कि उसमें वो टाइप कैसे करेंगे, उसमें लिखना बहुत मुश्किल है और उसमें स्पेसिंग इतनी ज्यादा क्लियर नहीं नजर आती। दूसरे नंबर पे लेआउट में फर्क है, जो रिपोर्ट आप मोबाइल पे बनाते हैं ना वो जब आप वर्ड की फाइल लैपटॉप पे खोलेंगे ना तो वो बिल्कुल एक खराब इमेज पेश करेगी। या तो ये है कि मोबाइल पे बना के मोबाइल में उसकी पीडीएफ बनाई और पीडीएफ अपने टीचर को सेंड कर दी, ठीक है कर सकती है, लेकिन फिर वही बात कि उसमें आपके पास ये जो मैं फीचर्स अभी बता रहा था ये फीचर सारे शायद अवेलेबल ना हो। कोशिश करें जहां तक हो सकता है ये इसका इस्तेमाल करें लैपटॉप का। हाँ अगर किसी के पास बिल्कुल कोई है ही नहीं है, अलाव भी नहीं है, तो वो फिर कर सकता है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा कोई और सवाल है तो वो भी चैट में लिखें, बताएं मुझे। ये मैंने आपको पीडीएफ की फाइल क्लिक करके दिखा दिया कि ये क्लिकेबल है एंड इट इज इजी टू रीड, और पीडीएफ बनाकर आपने सबमिट करानी है असाइनमेंट, वर्ड की नहीं करानी। सर जी पूछे, सही, मोनोग्राम के ऊपर यूएफ सब कैंपस बोर्ड वाला नहीं लिख सकते सर्कल की शेप में? मैं आपको मोनोग्राम जो स्टैंडर्ड चलता है वो लगाकर रिपोर्ट भेजूंगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये नीचे वाला सर मोनोग्राम मैं लगाकर आपको भेजता हूँ, क्लियर हो मैं कह गया। रहा हूँ कि मोनोग्राम के ऊपर नहीं सर्कल में लिख सकते सर्कल नहीं में? ये हमारा जो मैंने अभी एक्चुअली ये आपके सामने जो रिपोर्ट का एक टाइटल बनाया है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड है जो यूनिवर्सिटी में अक्सर रिपोर्ट के ऊपर चलता है, तो मैं एक्चुअली इसी को प्रमोट कर रहा हूँ। करने को तो आप जो मर्जी करते रहें, चाहे यूनिवर्सिटी के नीचे तस्वीर लगा दें, चाहे जो मर्जी करें, बट बीइंग एन ऑफिशियल या यूं कह लें कि फॉर्मल एक्टिविटी के तौर पर आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल रेगुलेशंस यही हैं कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का लिखा होता है वैसे लिखे। इसके नीचे यहाँ पर ईयर जरूर लिख सकते हैं, 2020 अगर आप लिखना चाहें इसके नीचे लिख सकते हैं, वैसे उसकी जरूरत नहीं है मेरा नहीं ख्याल उसकी जरूरत है। और कोई सवाल किसी के अलावा? सर जी टेबल को ओपन और क्लोज करने वाला फॉर्मेट कहाँ से करना है दोबारा बता दें। वो बेटा वो रिकॉर्डिंग देख लेना, वो मैं रिकॉर्डिंग कर ली है, उसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा हुरैरा, ठीक है। अबू हुरैरा ने एक सवाल पूछा था, आई थिंक आपको उसका जवाब मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर करता हूँ, ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं फिर दोनों जो है ना इकट्ठी जोड़ के आपके लिए शेयर कर दूंगा। और कोई बात इसके अलावा पूछे? कोई सवाल नहीं किसी किस्म का। सर जी कंक्लूजन ही लिखते हैं। अच्छा अब कंक्लूजन की बात आ गई। कंक्लूजन से पहले मैंने बल्कि हाँ सॉरी ये बात मैं बताना भूल गया, ये अब यहाँ पर सुन लें कुछ बातें जो रह गई आपको ट्रेनिंग देने के दौरान, वो यहाँ पर बता रहा हूँ, अब यहाँ से वीडियो को समझ लें आप। एक तो ये कि ये मैंने लिखा है वो आप निकाल लेना जरा एक्सेल की फाइल, उसमें मैंने क्या दिखाया था आपको, ये रही दिस वन हेयर।
इसमें कहा था टाइटल पेज होना चाहिए, वो बनाने का तरीका बता दिया, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का तरीका बता दिया, आगे लिखा डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट विद क्लियर हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये मैंने समझा दिया है हेडिंग कैसे बनानी है, सब हेडिंग कैसे बनानी है, फॉन्ट का ध्यान रखें, वो जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाए हैं उनको मैंने देखना है कि आपने कितना फॉलो किया है इसमें। समरी की बात, समरी जो है समरी एंड पर है, ये नहीं समरी, समरी में कोशिश करें पॉइंट्स बनाने की, तमाम बातें जो आपने ऊपर इतनी इतनी बहस की होगी या जितनी बातें की होंगी उनको अपने अल्फाज में समरी में लिखें, और मैंने ये समरी पढ़नी है आपकी, मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि मुझे समरी से ही तो अंदाजा होना है कि आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये ना हो कि समरी आपने कॉपी पेस्ट की हो और वो मैं कहूँ यार ये इसने क्या किया, किसी की टांग और किसी का बाजू। अव्वल तो मैं ऐसी चीज़ को बिल्कुल नापसंद करता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट करें। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये आपने 10-10 बच्चों को रिपोर्ट दे दी है तो ये तो सारी इकट्ठी एक जैसी बन जाएंगी, एक जैसी तब बनेंगी अगर सारों ने विकीपीडिया से ही डाटा उठाना है, कॉपी पेस्ट ही करना है, तो फिर तो एक जैसी ही बनेंगी। लेकिन अगर आप उस डाटे को जो ऑनलाइन अवेलेबल है अपने अल्फाज में लिखते हैं तो मुझसे शर्त लगा लें कि आपकी रिपोर्ट में और चाहे आप जैसे 1000 बच्चे और हों उनमें फ़र्क होगा, क्योंकि हर शख्स के सोचने में फ़र्क होता है, ठीक है ना, हर शख्स के अल्फाज लिखने में, अल्फाज बनाने में, चीज़ों के फॉन्ट साइज में, लाइन स्पेसिंग में बहुत फ़र्क है। तो अपना जो आपका रंग है ना वो आपकी रिपोर्ट में नजर आना चाहिए, ये ना हो कि वो बच्ची कह रही हो किसी और को कि आप बनाकर मुझे भी भेज देना, अपनी सहेली को कह रही हो, या वो फारूक जो क्लास में बैठा है वो कहे जी मेजर सर ने ये फलां टॉपिक दिया तो मैं अपने दोस्तों को भी ये भेज दूँ, मुझे पता चल जाना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये बात, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड आउट सच टाइप्स ऑफ चीटिंग, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा फिर है सर जी, कब तक आपको सेंड करनी है ये? बेटा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, पता नहीं हिजाब ने क्यों नहीं पढ़ा मैसेज अभी तक, मैंने आपको ये देखें इसमें लिख दिया है, ये रहा ये रहा, डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ दिस रिपोर्ट विल बी 12th January 2021। मैं LMS पर अभी एक, आज तो नहीं कल करूंगा इंशाल्लाह, कल मैं आपके लिए एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा आपके कोर्स में, आप अपने LMS के ऊपर जाएं, आपको मैं इनरोल भी नहीं अभी तो किया हुआ उसके अंदर, कोर्स में इनरोल करता हूँ, इनरोल करके आपको जब आप अपने LMS का अकाउंट खोलेंगे ना तो उसमें आपके कोर्सेज में इंग्लिश का कोर्स नजर आ जाएगा आपको, उसको क्लिक करें, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी आपको बनाकर, या तो हम अगली जूम मीटिंग में ये डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से आपने LMS इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप अगर समझते हैं तो फिर उसमें आपने जाके सबमिट करानी है, क्लियर होगी, तो वो आप 12 जनवरी तक करवा सकती हैं। और कोई सवाल किसी बच्चे का? जी समरी कितने वर्ड में होनी चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मुझे नहीं पता आप क्या क्या लिखते हैं उसमें, मैं तो कहता हूँ 2 लाइनों की समरी भी लिख सकते हैं, लेकिन देखें जो बातें आपने ऊपर लिखी हैं, एटलीस्ट जैसे कहते हैं आप एक फिल्म देखते हैं तो मैं कहता हूँ यार फिल्म की कहानी मुझे बता दो जरा मोटी मोटी, तो आप सिर्फ ये तो नहीं कहते वो एंड पे हीरो जीत गया था, इतनी सी बात तो नहीं बताते आप, सारी कहानी शुरू से आखिर तक एक बार मुझे खोल कर बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, फिर ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद फिर ये, और वो 5 मिनट के अंदर आप खत्म कर देते हैं 3 घंटे की फिल्म को। इसी तरह आप जो है ये समरी में जो बातें आपने ऊपर 2 सफ़ों में या 3 सफ़ों में लिखी हैं वो आप एक पैराग्राफ में लिख दें, बस यूं कह लें। मैं अगर आप मुझसे अब ये पूछते हैं, ये आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है मैं समझता हूँ कि 250 वर्ड्स के अंदर आप अल्फाज के अंदर आप एक पैरे की शक्ल में इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक बट है, ठीक है, बट वो बरादरी वाला नहीं है, दूसरा है, तो ये बट कौन सा है, ये आपने कोशिश करनी है इनको बुलेट्स में लिखने की, समरी में बुलेट्स बनाएं, पॉइंट्स बनाएं कि वो कौन कौन से बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो आपने इस रिपोर्ट में कवर किए हैं, आई वुड लाइक टू सी दोज पॉइंट्स इन योर रिपोर्ट, ठीक है ना, ये ना हो इतना बड़ा मजमून छापा हो और मैं कहूँ यार इसमें से क्या चीज़ पढ़ूँ और क्या चीज़ छोड़ूँ, कोशिश करें कि समराइज करें अपनी पूरी रिपोर्ट को, पूरी रिपोर्ट को 4-5 पॉइंट्स में, 4-5 सेक्शंस में समराइज करने की कोशिश करें। जी और कुछ सवाल इसके अलावा पूछें पूछें, शाबाश। सर जी रेफरेंस में हम जहाँ जहाँ से डाटा लेंगे वो सारा लिखेंगे? ओके, रेफरेंसेस के हवाले से जो है ना आपको वैसे रेफरेंस लिखने आने चाहिए हैं, लेकिन अगर नहीं आते तो मैं आपको बेटा बता देता हूँ कि रेफरेंस कैसे लिखे जाते हैं, मैंने ना बल्कि उसी पे देखना जो यूट्यूब चैनल है ना उसके अंदर हॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट, शो यू हॉट 611
11 के नाम से रेफरेंस राइटिंग के ऊपर दो लेक्चर पड़े हैं, ठीक है। वो मैंने ना अभी बच्चों को रिसेंटली सिखाए हैं रेफरेंस लिखने का तरीका, और वो आप वहां से पढ़ लेना, वहां से देख लेना, आपको समझ लग जाएगी। जो समझदार है उनको तो फौरन लग जाएगी, बाकी अल्लाह ताला हिदायत दे बाकियों को भी। अच्छा, और दो चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं जरा, दो चीजें। नंबर वन तो ये कि एक है साइटेशन और दूसरा है रेफरेंसेस। साइटेशन है जो आप हवाला देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिखाता हूँ, एक लाइन लिख के मैं कहता हूँ कि इंटरनेट इज अ इज द बिगेस्ट, फर्ज कीजिए ये हम लिख रहे हैं द बिगेस्ट मार्वल ऑफ 20th century, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये है जी। अब इसके आगे आप कहते हैं ये बात की है किसी ने, किसी बंदे ने की है, तो मैं कहता हूँ ओके ये बात फर्ज कीजिए जी गुल ने की है 2005 में, ठीक है। इसका क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि ये एक बंदा है या लड़की है या लड़का है जिसने ये बात 2005 में की है। फिर नीचे इसका पूरा रेफरेंस होगा, ये आपने हवाला दिया है कि गुल ने 2005 में बात की, नीचे हवाला जो होगा रेफरेंस में वो आप डालेंगे पूरा, उसमें आप बताएंगे कि उसका पूरा नाम क्या है, गुल शाह है फर्ज कीजिए या अली है, गुल अली है या जो भी उसका नाम है, ठीक है। मैं कहता हूँ गुल अली है या चले अली अली अहमद गुल है फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो अली अहमद गुल का नाम जो है वो मैंने उसमें रेफरेंस राइटिंग में बताया कि कैसे लिखना है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अली अहमद गुल को ए ए गुल कॉमा ए ए लिखना, लेकिन मैं आपको एक्चुअली इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे लिख ले, लेकिन अगर आप वाकई परफेक्शन चाहते हैं तो रेफरेंस राइटिंग का वो लेक्चर देख लें, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से एक एक बात समझाई है किस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है। गुल ए ए, उसके बाद फिर आप कहते हैं 2005, और 2005 के बाद आप कहते हैं इसने ये किस जगह पे बात की थी, इसने कहा था एक इंटरनेट के हवाले से एक मजमून लिखा था, कहाँ पे लिखा था इसने, टाइम्स न्यू रोमन में फर्ज कीजिए मैं कहता हूँ किसी भी न्यूज पेपर में पब्लिश किया है, जस्ट अज्यूम के वो न्यूज पेपर का नाम है फ्रंटियर्स, ठीक है जी, फ्रंटियर्स उसका नाम है, फ्रंटियर न्यूज़पेपर है, उसके 25 जुलाई 2005 वाले में इसने ये पेपर में पब्लिश किया था, तो ये उसका एक रेफरेंस बन गया छोटा सा, ठीक है। क्या है कि गुल ने ये लिखा 2005 में, इंटरनेट इसका नाम था, और ये इसने पब्लिश किया फ्रंटियर अखबार में 25 जुलाई 2005। लेकिन ये मैं अभी एक्चुअली आपको इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि ये एडवांस लेवल की साइंटिफिक राइटिंग है। आमतौर पे अगर आप किसी जगह से डाटा उठाते हैं ना, तो उन्होंने नीचे रेफरेंसेस लिखे होते हैं उसके अंदर, तो आप अगर वहां से रेफरेंस कॉपी कर लेते हैं तो मुझे उसमें भी इतराज नहीं है। मैं अभी इतना आपको इन डेप्थ कह लें कि उसको नहीं आपकी गलतियां निकाल रहा कि आपने इसमें कॉमा क्यों नहीं लगाया, इसमें डॉट क्यों नहीं लगाया, लेकिन वो जो 611 वाला हमारा कोर्स है उसमें मैंने बच्चों को ये डिटेल में सिखाया है कि किस तरीके से आप रेफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लिखने जरूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है अगर आप लिखें, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, ये बेहतर है अगर आप ये बात करें। कल को मैं कहूँ यार ये आपको किसने कहा था, ये आपने लिख दिया, ये तो 21वीं सदी की है, ये तो 20वीं की है ही नहीं, तो आप मुंह उठा के कहें सर पढ़ा था मैंने कहीं पर, लेकिन अगर आपके नहीं सर ये देखें रेफरेंस अवेलेबल है, तो फिर मैं ये बात ही नहीं करूंगा, मुझे पता है कि आपने ये बात किसी जगह से देख कर की है, तो मैं फिर इस पे मैं कहूंगा हाँ यार इसने अगर पढ़ा है डेफिनेटली इस बंदे ने की ये बात तो कहा है ना इसने, ठीक है ना। तो इस तरह आप साइटेशन देकर और फिर उनके नीचे जिनकी साइटेशन होगी उसी का नीचे रेफरेंस भी आएगा, ठीक हो गया। और कोई बात इसके अलावा, कुछ एक दो बच्चों ने सवाल किया है वो देख लें क्या कहते हैं। सर 12 जनवरी से पहले बिल्कुल करवा सकते हैं बेटा, बिल्कुल करवा सकते हैं, पहले भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा जी, उसके बाद है सर जी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की लिखनी है, पाकिस्तान की कौन सी क्रिप्टो करेंसी है ताहिर? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा शायद, पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी कौन सी है सर जी? ये सेंड कैसे होगा? ओहो क्रिप्टो करेंसी तो पहले बताओ ताहिर किधर गया, ताहिर जफर ने एक सवाल पूछा है, उससे मैंने वापस सवाल पूछा है कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान की कौन सी है। अच्छा क्या कह रहे हो तनवीर, सेंड क्या कैसे हो? जी सर, तनवीर कैसे सेंड का क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये LMS पे सेंड कैसे करेंगे? वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे, वो आप जब अपने कोर्स को खोलेंगे ना उसमें लिखा आ रहा होगा असाइनमेंट, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको डब्बा देगा जिसके अंदर आप अपनी अटैच करेंगे फाइल और साइड पे लिखा होगा सबमिट का बटन,
वो आप उसके अंदर अपनी असाइनमेंट डालेंगे, सबमिट करेंगे, वो बकायदा आपका नोट करेगा कि इस बच्चे ने फलां डेट को फलां टाइम पर असाइनमेंट जमा करवाई है, और जो जितना लेट होता जाएगा वो भी साथ में वो रिकॉर्ड रखता है कि मतलब 12 जनवरी के बाद हो सकता है वो आपकी असाइनमेंट जमा ही ना करे, या हो सकता है मैं उसे टाइम दे दूं कि चलो यार एक दिन एक्स्ट्रा देता हूँ, नंबर काटूंगा इस बात के, लेकिन एक दिन और दे देता हूँ, लेकिन एक दिन के बाद बिल्कुल ही जमा ना करे आपकी असाइनमेंट। तो अभी भी अगर लेट भी जमा करता है तो उसको लाल कर देगा और कहेगा ये जो बच्चे हैं लेट है, इन्होंने असाइनमेंट देर से जमा कराई है। अच्छा, वो मैं अगर आपको ना समझ लगी तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा, या आपको इसी तरह जूम पे एक बार समझा दूंगा, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर है इतनी क्लियर नहीं है। जी ओके सर। तनवीर अपना वो किधर गया, दूसरा बच्चा तो पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी, और बेटा पाकिस्तान की मुझे मेरे तो इन्फॉर्मेशन में कोई भी नहीं है, पता नहीं बाकी हो सकता है आपको ज्यादा बेहतर पता हो, आई डोंट नो। जी सर, क्रिप्टो करेंसी मैंने कहा पाकिस्तान की मुझे तो नहीं पता कि पाकिस्तान की भी कोई क्रिप्टो करेंसी है। सर वो मैंने क्रोम पे सर्च किया था तो उधर पाकिस्तान का आ रहा। ओ यार, एक है करेंसी पाकिस्तान की, एक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले पढ़ो थोड़ा सा, तुम्हें पता चले ये क्या चीज है, ये टोटली डिफरेंट चीज है, ये रुपए की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। ऑनलाइन जो आपकी जस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड करेंसी चल रही है ना, उसका सिरे से कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो बहुत एक आजकल पॉपुलर हो रही है, डेट इज क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, और बिटकॉइन इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं आप परेशान हो जाएंगे देखकर, उसकी मैं आपको रेट दिखाता हूँ अभी, खैर जाए शायद कुछ बच्चों को इसका पता भी हो, मैं इधर लिखता हूँ जरा, लेट मी शो यू द बिटकॉइन टू यूएस डॉलर यूएसडी, भी देखिएगा क्या होता है। कहेंगे सर ये क्या चीज आ गई, एट लाख के करीब है सर। हाँ जी, 8 लाख के करीब है जनाब। एक बिटकॉइन जो है वो 27,932 यूएस डॉलर के बराबर है एक बिटकॉइन, और ये उसकी ये उसका ग्राफ है, 9 दिसंबर को लोएस्ट वैल्यू पर था और वो तकरीबन 18,000 पर था, अब वो बढ़ता बढ़ता पाकिस्तान का सर 8 लाख के करीब है, 27,000 पर चला गया, एक महीने की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक साल की बात करूं तो उसमें भी मेरा नहीं ख्याल वो गिरा है। ये देखें कोरोना के आने से बिटकॉइन की कितनी रेशो बढ़ गई है, देखें जरा कहां पर बिटकॉइन। और मुझे याद है जब ये करेंसी शुरू हुई थी तो उस वक्त सस्ता था, इतना महंगा नहीं था, लेकिन अब बहुत बहुत चढ़ गया ऊपर। ये है यहाँ पर 450 यूएस डॉलर से शुरू हुआ था ये, और अब ये चढ़ता चढ़ता बीच में एक पीक आई है इसकी, बहुत एक्सट्रीम 10 तक गई है, और आजकल तो बस 26-27 से पहुंचा हुआ है। इस तरह कुछ और भी है, बहुत सारे हैं, मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टॉपिक को भी इतना खोलना नहीं चाह रहा, फिर बच्चे कहेंगे सर आपने आधी बातें तो हमें यहीं पे बता दी है, तो आप खुद ही सर्च करें पढ़ें। आपको इस बार मैंने एक्चुअली टॉपिक वो वाले लिए हैं जो आपके कोर्स से रिलेटेड हों, मेरा प्लान यही था कि आप इसी बहाने अपने फील्ड में और एक्सपर्ट हो जाएं, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और कोई सवाल किसी बच्चे का अपने टॉपिक के बारे में, उसको समझ ना लगी हो वो, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, कुछ बच्चे कह रहे थे हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा पाकिस्तान हैज बैंड बिटकॉइन सर, आई डोंट नो बेटा, शायद कर दिए हूँ, पाकिस्तान तो कुछ भी भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, जो आपने असाइनमेंट लिस्ट सेंड की वो क्लियर शो नहीं हो रही, तो बेटा वो मैं दोबारा कर देता हूँ, वो ना मैंने अब मैं अभी बल्कि करता हूँ, मैंने अलग अलग बनाई है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको थोड़ा सा, लेट मी शो यू इफ आई हैव, मेरा ये प्रोसेसर भी इस कंप्यूटर का ना बहुत ही कुछ स्लो है बेचारा, मुश्किल से ही चलता है। अच्छा बहरहाल, और कोई सवाल किसी का को पूछना चाहता है, कोई सवाल नहीं किसी किस्म का भी, बाकी अगर प्रेजेंट अपना इसके दौरान आपको कहीं कोई समझ नहीं लगी किसी चीज की, तो वो आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा कि सर ये इशू आ रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर। और जो हेल्पिंग मटेरियल है वो तो हर एक के लिए गूगल पर अवेलेबल है, ठीक है, बट नाउ इट्स योर ओन एफर्ट्स जो किसी चीज को खूबसूरत बनाएंगी, ठीक है ना। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप 100 सफ़ों की असाइनमेंट देते हैं कि 6 की या 4 की या 2 की, बट आई विल सी द कंसिस्टेंसी इन योर असाइनमेंट, कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी उसको शौक से बनाया, और वो नज़र आ जाएगी आपके फॉन्ट नंबर से, आपके फॉन्ट साइज से, आपके अल्फाज के चुनाव से, एंड क्या कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ योर वर्ड्स इन अ सेंटेंस,
पता चल जाएगा ये आपने क्या किया हुआ है। लिटरली मैंने ऐसी असाइनमेंट्स भी देखी हैं जो विकिपीडिया से बच्चे कॉपी करते हैं, और इवन के उसके ऊपर वो लाइन लिखी होती है और लिखा होता है ऐसे, लाइन लिखी हुई है उसके ऊपर वो छोटा सा जो एक नंबर लिखा हुआ है वो भी उसके साथ कॉपी कर लिया है, और इतना उसके ऊपर वो कह ले के इतना उसके ऊपर तरद्दुद नहीं किया कि मैं इसको डिलीट ही कर दूं, मतलब इतने इस लेवल के भी मैंने बच्चे देखे हैं, इस तरह असाइनमेंट कॉपी की हुई भी मैंने देखी है। तो फिर इस तरह के बच्चे को तो मैंने पकड़ना है ना जो फिर इस तरह के काम करेगा, और वो आसानी से पकड़ा जाना है। ठीक है, और कोई सवाल? बच्चे क्लास में थोड़े हैं आप, 34 स्टूडेंट्स आए हैं, पहले ज्यादा थे, 59-60 के करीब थे, बाकी बच्चे कहते हैं हमें समय लग गई है सारी बातें। हाँ जी, कोई सवाल नहीं किसी किस्म का? नो सर, कर लेंगे अब असाइनमेंट, ठीक हो गया है तो ठीक। अच्छा, एक बच्चा था 2007 वाला, एक बच्चे ने सवाल किया था मेरे पास 2007 वाला वर्ड है उसमें अवेलेबल नहीं है, बैठा इस वक्त बच्चा 2007 वर्ड वाला बच्चा बैठा है इधर? नहीं बैठा। अच्छा चलें, ठीक है जी। चैट में और एक सवाल आया है, सर जी मार्क्स भी देंगे आप क्या? यस देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। LMS जब सबमिट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली इसके नंबर असाइनमेंट में रखेंगे, 5 नंबर होंगे जी इसके रिपोर्ट राइटिंग के आपके, 5 मार्क्स विल बी देयर फॉर योर रिपोर्ट राइटिंग, या 5 होंगे या 4 होंगे डिपेंडिंग ऑन क्लास क्या करती है। अभी मैं भी नंबर रख लूँ और बाद में सारी नलायक हों और कोई भी रिपोर्ट ना जमा कराए तो फिर तो सारी क्लास फेल हो जाएगी। अभी मैं 4 या 5 इसके दरमियान डिसाइड करूंगा कितने रखने हैं, अभी तो पहले आप ये बनाए ना रिपोर्ट्स, मैं देखता हूँ क्या करते हैं। ठीक है जी, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट इसकी भी ले लें जरा, इस क्लास की भी, ये जो दूसरी है, और ये भी उसमें शेयर कर दें, और जरा पूछें कि ये क्यों नहीं आए बाकी बच्चे, 35 क्यों है इस वक्त 59 की बजाय। सर जी, कुछ बच्चों का इंटरनेट 6 बजे खत्म हो जाता पैकेज। सर टाइम ओवर हो गया। अच्छा ठीक हो गया, ये बात है असल में। ठीक है, चलें ठीक है जी, ओके फिर सर, पैकेजेस एंड होते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो वाईफाई शेयर, आपके पास तो वाईफाई होगा, सबके पास नहीं है। ओके ठीक है जी, फिर जी सिस्टर जी, ठीक हो गया।